आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, अगर रेमेडियल पार्ट में जाते हैं तो मैक्सिमम वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे कि रत्नों का बड़ा चलन है किसी भी रूप में, मगर रत्नों को एक ही दृष्टिकोण से देखा गया है कि ग्रहों के दोष का निवारण करते हैं ये। मगर अगर देखा जाए तो स्टोन्स को जो प्रयोग किया जाता है, एक तो ऑर्नामेंटल रूप, दूसरा उसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी, वो है आयुर्वेद में, यानी कि रोगों के निदान के लिए स्टोन्स का बहुत यूज़ किया जाता है। उसकी भस्म बनाई जाती है, उसकी पिष्टी बनाई जाती है, उसकी गोलियां बनाई जाती हैं और उसको रोग के निदान करने में प्रयोग किया जाता है। ये हमारे मिलता है हमारे आयुर्वेद में, ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा। मगर जो चीज़ बड़ी विचित्र है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग जेमोलॉजी में जाना चाहते हैं, देखिए जेमोलॉजी को बहुत हमने इतना एक सस्ता, इतना सरल, इतना सीधा सा विषय बना दिया और इतना इसको कॉमन कर दिया, और इतनी इम्पॉर्टेंट ये विधा रेमेडियल पार्ट की जिसको हमने बड़ी सरलता से ले लिया, मगर इसकी गूढ़ता में नहीं गए कभी। स्टोन एनालाइज करना सरल नहीं है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, इस चीज़ में मैं बल देता हूँ कि स्टोन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना ही वो, चाहे वो प्रेशियस हो चाहे वो सेमी प्रेशियस हो, स्टोन में उसकी एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रॉपरली डायग्नोज कर लिया जाए कि इस ग्रेड का, इस कलर का, इस रंग का आपके जीवन में बहुत महत्व है, तब वो ज़्यादा इफेक्टिव होने लगेगा आपके लाइफ मैनेजमेंट के लिए। ये सत्य है, हेल्थ मैनेजमेंट के लिए ऑल्सो। देखिए, यूनानी पद्धति में भी जेम्स का, स्टोन का यूज़ किया जाता है रोगों के निदान करने में, मगर थोड़ा सा डिफरेंट है वहाँ पे। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नई होने जा रही है आपके लिए, मैं समझता हूँ, जिस जेमोलॉजी में विश्वास करते हैं, रतन शास्त्र में जो जाना चाहते हैं। देखिए, अगर हम सूर्य ग्रह को लेते हैं, सूर्य ग्रह का जो रत्न है सब लोग जानते हैं, माणिक्य, इसको रूबी, इसके लिए यूज़ किया जाता है। और रूबी भी वो जो रक्तिम वर्ण का जो रूबी होता है, उसके अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू, उसकी इम्पॉर्टेंस मानी गई है। मगर जो यूनानी पद्धति है वहाँ बिल्कुल विचित्र है। वहाँ पे जो माणिक्य का जो कलर माना गया है, वो माना गया है नारंगी, और नारंगी रंग को वहाँ यूज़ किया जाता है अगर कहीं किसी को सूर्य की डेफिशिएंसी है, उसकी कमी की पूर्ति करनी है। चंद्र को लेते हैं, अगर मान लीजिए चंद्र ग्रह का ट्रीटमेंट करते हैं, तो चंद्र ग्रह के लिए माना गया है मोती, और मोती का जो वर्ण है वो श्वेत आभा युक्त रंग माना गया है। मगर यूनानी पद्धति में अगर जो हम मोती को या चंद्र ग्रह को अगर हमें ट्रीट करना है, तो वहाँ पे मोती का रंग श्वेत वर्ण ना लेके ऑरेंज कलर, गुलाबी रंग का माना गया है, मोती का जो कलर माना गया है। कितना डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। फिर आता है मूंगा, यानी कि कोरल, कोरल का जो कलर माना गया है लाल रंग का माना गया है हमारे जो भारतीय पद्धति है। और अगर यूनानी पद्धति में देखा जाए तो मूंगे का कलर इन्होंने माना है पीत वर्ण, यानी कि पीत वर्ण को माना गया है डेफिशिएंसी दूर करने के लिए, मंगल के लिए, मंगल जनित जो भी दोष हैं, जो भी रोग हैं, उनको दूर करने के लिए। पन्ना एमरल्ड को माना गया है कि पन्ना वो अच्छा होता है जिस जो नीम के पत्ते के कलर का होता है ना, जैसा बिल्कुल नीम का पत्ते का रंग होता है, वो सबसे अच्छा पन्ना माना जाता है। मगर यूनानी पद्धति में मानते हैं जितना लाइट कलर का पन्ना होगा उतनी ज़्यादा अच्छा उसके इफेक्ट होगा। शनि के लिए, सैटर्न के लिए माना गया है नीलम, सफ़ेद, और जितना अच्छा कलर उसका नील वर्ण होगा उतनी अच्छा वो माना जाता है नीलम। और मोरपंखी नीलम तो सब जानते हैं कि और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, खूनी नीलम जिसको कहलाता है मोरपंखी नीलम। मगर जो यूनानी पद्धति में देखें वहाँ पे वायलेट कलर माना गया है नीलम का, और डिफिशेंसी को दूर करने के लिए वहाँ पे प्रयोग किया जाता है वायलेट कलर, बैंगनी रंग। डायमंड को लेके देखें, डायमंड वो अच्छा माना जाता है जो जहाँ जिसकी श्वेत वर्ण आभा होती है, जो ग्लिटर करता है वाइट कलर, जो वो अच्छा माना गया है। मगर अगर यूनानी पद्धति में देखते हैं वहाँ माना गया है जो नील वर्ण डायमंड होता है, नीली आभा युक्त जो डायमंड होता है, वो ज़्यादा शुभ माना गया है रोगों के निदान करने के लिए। पुखराज को, येलो सफ़ेद जिसको बोलते हैं, पीला रंग माना गया है, सफ़ेद रंग माना गया है, मगर यूनानी पद्धति में पुखराज का रंग माना गया है आसमानी, स्काई कलर का। तो देखिए कितना डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। इस टाइप की चीज़ों में देखिए अगर बढ़ते चले जाएंगे तब फिर जेमोलॉजी में आनंद आने लगेगा। मैंने बताया ना, जेमोलॉजी में गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोज़, अपने पुस्तक का भी जिक्र किया था, ये अगर इसको कोई पढ़ता है
तो मैं समझता हूँ, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं अपनी कोई चीज़ बिक्री नहीं करता। 28-29 मेथड्स दिए हैं स्टोन एनालाइज करने के लिए, और वो स्टोन एनालाइज करने के लिए जो ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही हैं कि सवा रत्ती का पहन लो, सवा तीन रत्ती को पहन लो, मुझे कोई ये बताए कि फ्रैक्शनल वेट थ्योरी का स्टोन जेमोलॉजी में क्या महत्व है, क्यों सवा तीन रत्ती और क्यों सवा चार रत्ती, क्यों सवा छः रत्ती, क्यों साढ़े तीन नहीं, तीन नहीं, पौने तीन नहीं। देखिए, अगर आप अपने बौद्धिकता से मनन कीजिए कि आप अगर मान लीजिए जेम लेने जा रहे हैं और आप किसी ज्वेलर के पास जाते हैं, दो तीन चार रत्न दिखाएगा, आप जो रिक्वायरमेंट है आपकी, किसी को सवा तीन रत्ती का चाहिए तो सवा तीन रत्ती का मिल जाएगा, सवा तीन रत्ती के पाँच छः मिल जाएंगे, किसी को पाँच पर, किसी को साढ़े पाँच रत्ती का चाहिए तो साढ़े पाँच रत्ती का मिल जाएगा। तो फ्रैक्शनल वेट थ्योरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की दो तीन चीज़ों से स्टोन एनालाइज करना, आदमी का नाम पूछ लिया, आदमी की राशि पूछ ली, या और डीप गए तो आप दशा देख ली, अंतरदशा देख ली, प्रत्यंतर दशा देख ली, और आगे गए तो षडवर्ग देख लिया कि षडवर्ग में कौन सा बलवान ग्रह है, क्योंकि यहाँ भी डाउट होता है कि बलवान ग्रह को बलवान किया जाए या नीच ग्रह को बलवान किया जाए। तो ये जहाँ कंट्रोवर्सीज हैं, जहाँ इस टाइप के डिफरेंसेस हैं, वहाँ के लिए 28-29 मेथड्स से गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे स्टोन्स दिए हैं, और जा जा के तलाश कर कर करके मैं लाता हूँ चीज़ें। एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन जरूर दबा दिया करें। गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोज़ के मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको मिलते चले जाएंगे। जेमोलॉजी में तो बहुत लिखा है मैंने, बहुत स्टोन्स के मैंने अपने उसको चित्रण भी किया है, उसका वर्णन भी किया है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर जेमोलॉजी में जाते हैं ना तो इसकी डीप नॉलेज में जाइए, ट्रेडिशनल जेमोलॉजी से थोड़ा सा हटके आगे बढ़िए, क्योंकि हमारा जो जेमोलॉजी आज के परिप्रेक्ष्य में है वो केवल केवल ऑर्नामेंटल है। हम देखते हैं कि ऑर्नामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुंदर लग रहा है, मगर हम उसकी एसेंट्रिक वैल्यू अगर देखें तो जब मिलेगी जब आप डीप पेनिट्रेट करेंगे उसमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।